नमस्कार दोस्तों, एकमात्र भरोसेमंद एमएस न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है सेवन पे कमीशन को लेकर, तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों न्यूज की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे में अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 5,000 रुपए मासिक वेतन वृद्धि। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे के अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों की पदोन्नति को मंजूरी दे दी है। गैर राजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों को 8 श्रेणियों में पदोन्नत करने के बाद उपयुक्त चिकित्सा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन वृद्धि 5,000 रुपए प्रति माह होगी। पदोन्नति से मासिक HRA BA TA में वृद्धि होगी। गैर राजपत्रित मेडिकल भारतीय रेलवे कर्मचारियों की 8 श्रेणियां स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट रेडियोग्राफर और लैब स्टाफ स्वास्थ्य और मलेरिया इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट डायटिशियन और परिवार कल्याण संगठन है। रेलवे बोर्ड ने एक लिखित बयान में निर्णय के बारे में बताया। भारतीय रेलवे में व्यापक एकरूपता के लिए सभी विभागों के गैर राजपत्रित श्रेणियों के पदोन्नति के राजस्व के साथ परामर्श के तहत बोर्ड के कार्यालय में समीक्षा की जा रही है। जनरल रेलवे और संबंधित विभाग वेतनमान पदों के प्रतिशत विवरण आदि के मामले में वर्षों में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखते हैं। रेलवे बोर्ड का बयान यह है कि पढ़ने में आया कि चिकित्सा विभाग के लिए ऊपर बताए गए अभ्यास के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य विभाग और मॉडल ABC के परामर्श से चिकित्सा विभाग की विभिन्न गैर राजपत्रित श्रेणियों की ABCS की समीक्षा की गई है, विभिन्न श्रेणियों के लिए तैयार किया गया है और ये सूचना मार्गदर्शन के लिए संलग्न है। रेलवे बोर्ड के बयान में कहा गया है कि यह ध्यान दिया जा सकता है कि मेडिकल प्रयोगशाला श्रेणियों की कैडर संरचना की समीक्षा अलग से रूप से जारी की है और जब यह अभ्यास पूरा हो जाएगा तब मेडिकल प्रयोगशाला श्रेणियों के लिए ABC को भी संशोधित किया जाएगा। प्रमोशन के बाद वेतन वृद्धि कैसे होगी इस पर विस्तृत जानकारी देते हुए हरिशंकर तिवारी AG ऑफिस बदर के पूर्व अध्यक्ष एक संगठन जो कि प्रयागराज में स्थित ने कहा कि पदोन्नति के बाद एक भारतीय रेलवे कर्मचारी एक स्तर पर उन्नति प्राप्त करेगा। अगर किसी को लेवल 1 से लेवल 2 या लेवल 2 से लेवल 3 में अपग्रेड किया जाता है तो उसे मासिक वेतन में कम से कम 5,000 रुपए वृद्धि होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। जय हिंद जय भारत आपका।